भी नहीं, हमेशा मैं जरूर जैसा हूं वैसा हूं, मुझे किसी से मेरी जो नहीं बनती तो नहीं बनती, मैं उसके बाद मैं फिर बनावटी मन में उसके हाथ जोड़ू या उससे प्रार्थना करूं या उससे मेरे, तो वो चीज होती है। तो जब आप कहीं जा रहे हो डीजे बज रहे हैं तो आप अपने आप में नाचने लग जाते हैं क्योंकि माहौल ही वहां का ऐसा ही है। अब मान लीजिए आप जा रहे हो थोड़ा आगे, आपका सर फोन आ गया, आप फलाने के यहां डेट होगी और आज वहां सीए की बैठक है, अब पीछे तो आप नाच रहे थे फिर भी आप चले जा रहे हैं, वो आपको पता लगे भाई डेट होगी उधर बैठने जाना है, आज फिर भी टेक में भी गाने बजते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप वहां गए, जब वहां का आपने माहौल देखा तो बेटा अचानक ही आपके दिमाग में अलग ही चीज आ गई, आप आपका जो जहां खुशी मना रहे थे, जहां डांस कर रहे थे, अचानक ही आपकी इच्छा हुई कि मैं रो, क्यों? क्योंकि वो माहौल ऐसा है। तो माहौल के हिसाब से ही जो है ना आदमी के दिमाग का, आदमी के शरीर का, आदमी के जो है ना अध्यात्म का, सबका विकास माहौल के हिसाब से होता है और इसका ही जीता जाता उदाहरण है। अब एक और उदाहरण बताता हूं भाई माहौल से क्या फर्क पड़ता है। कई बार आपने कोई फिल्म देखी होगी और फिल्म देखते समय जब उसमें कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आदमी जो है ना थोड़ा सा आंखों में आंसू आ जाए तो आंख क्यों रोने लग जाते हैं, क्यों रोने लग जाते हैं? अरे चक दे इंडिया में जब शाहरुख खान आखिरी गोल करता है, है? आपने अगर पूरी फिल्म किसी ने देखी है पूरी फिल्म चक दे इंडिया, आखिरी में जब गोल करता है तो मेरे हिसाब से मुझे कोई वो ऐसा कठोर आदमी शायद आज तक मिला नहीं जब उसमें वो तो गोल करता है, आखिरी वाला गोल होता है और उसमें आदमी रोए नहीं, क्यों भाई? वो तो पढ़ते भी चल रहा है कार्यक्रम, आपके सामने कौन शाहरुख खान आपके सामने हॉकी खेल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा माहौल का जो है शरीर में बहुत फर्क पड़ता है, शरीर में पूरा ही फर्क पड़ जाता है। तो ये चीजें है, और इस माहौल को मैंने थोड़ी देर पहले कहा था खराब कौन करते हैं? जिनकी सोच छोटी होती है, छोटी सोच के लोग बेटा खराब करते हैं। छोटी सोच वाले मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कभी कर ही नहीं सकता, जा बावड़े बात करे करे वो ये करे वो, ऐसे लोग बेटा, और ऐसे लोग माहौल को वास्तव में खराब करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में असंभव कुछ है ही नहीं, वो कर लेगा यार, कोई नहीं कर लेगा, वो आराम से कर लेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब आप सोचोगे ना वैसे आपके दिमाग में विचार आने लग जाएंगे। एक उदाहरण मैं अक्सर अपने जो है ना स्पीच में देता हूं, जैसे मान लीजिए कभी आपकी इच्छा होगी यार मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, पूरी प्रणाली बनाई 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, और आज जल्दी थोड़ा सो जाऊंगा, मैं 3:30 सो जाऊंगा आज, और आप जब सोने के लिए सोने के लिए तैयार हुए तो उधर से जो है थोड़ी सी देर से आवाज आई, सास भी कभी बहु, मतलब टीवी की आवाज आई ऐसे, और आपने सोचा आप थोड़ा देख गया, तो रहा थोड़ा देखा तो आधा घंटे क्या बड़े बढ़ेगा, नहीं आप बेटा वहां चले गए टीवी देखने चले गए। जब आप टीवी देख रहे थे तो आपने थोड़ा चैनल चेंज किया, ये किया वो किया, थोड़ा मूड होया, और फिर टाइम देखा तो वही टाइम हो गया, तो रोजाना हो जाता, टीवी देखते देखते जैसे रोजाना हो जाता ना, रोजाना वाला टाइम हो गया 12 बज गए। फिर आपने सोचा रहे यार आज तो फिर 12 बज गए सर, मुश्किल है सुबह उठना, तो यार सुबह तो मैं नहीं उठ पाऊंगा। अब आपके एक नेगेटिव हिंट देने से शरीर में अपने आप ही नेगेटिव बातें शुरू हो जाएगी और अंदर से आवाज आएगी, हाँ अरे नहीं उठ पाएगा, अंदर से अपने आप आवाज आएगी अंदर से, हाँ नहीं उठ पाएगा, उठ के क्या कर लेगा? तूने पहले पिछले साल भी तूने जुलाई के अंदर अगस्त में जो है ना, अगस्त या जुलाई में तूने 6-7 दिन जो है ना जल्दी उठा और फिर वो का वही हाल हो गया, क्या फायदा हुआ उठने से? अंदर से आवाज आ रही और फिर तू मान लो उठ गया तो तेरे को क्लास में नींद आएगी, बात तो वही है, तेरे को क्लास में नींद आएगी, मतलब पूरा शरीर ही नेगेटिव एनर्जी देना चालू कर देता है, नहीं हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कह दिया अरे यार मुश्किल है सुबह उठना, तो आज फिर 12 बज गए नहीं, और शरीर को तो क्या चाहिए नेगेटिव, तो इतना सा हिंट चाहिए वो शरीर को, जैसे आप हो फिर अरे यार आराम ही कर लेते तो शरीर को हाँ आराम कर लेते, बजा हो भाई आराम आराम, अरे कर ले बिस्तर ना हो गया अंदर से आवाज आए बिस्तर ना हो आराम करने के लिए, वो कर ले आराम, कसम से बैठी हो जाता आदमी। अगर वही आदमी ये कह देना 3 बार वो उभरूंगा यार 12 ही तो बजे 4:30 घंटे तो बच्चे के लिए बहुत होते हैं यार, उठ लूंगा 4:30 बजे उठ लूंगा तो अंदर से पता क्या आवाज आएगी, वो लपोट क्या बात कर रहा है कैसे उठ पाएगा, शरीर में से आ रही, लेकिन आपने दोबारा भी कहा कि नहीं मैं उठूंगा कैसे, फिर अंदर से दोबारा हो यार थोड़ा एक बार और सोच ले यार प्लीज, नहीं फिर आपने तीसरी बार कह दिया कि नहीं मैं 4:30 उठूंगा, अलार्म के बिना ही 4:30 उठ जाएगा, क्यों? और शरीर के अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा चालू हो जाएगी, हाँ उठ सकता है यार उठ सकता है, तू पहले भी बहुत बार उठा हुआ है, याद कर एक बार तुमने 4 बजे की ट्रेन पकड़ी थी, उठ गई टाइम भी उठा था उस दिन तू और दिक्कत क्या है, और दिन में तेरे को नींद आएगी तो मुंह तो लेके दो 3 बार यार, शरीर को आपने हिंट दिया पॉजिटिव, पूरा शरीर ही पॉजिटिव हो गया,
इसलिए बेटा कभी भी नेगेटिव हिंट मत दो शरीर को, नहीं करूंगा, आसान है। अरे एक सप्ताह एक संदीप माहेश्वरी एक बहुत बड़ी पर्सनलिटी बेटा, मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। वो ये कहता है कि दुनिया में कोई आसान है कर लेंगे यार कोई भी काम। बोला जिस पहाड़ पे चढ़ हाँ चढ़ लेंगे कोई नहीं आसान है, और जिसने सोचने आसान है उसके लिए वास्तव में काम आसान ही होते हैं और वो वास्तव में वही करता है। तो ये चीज है बेटा, ये है जिंदगी। जैसा आप हिंट दोगे बाकी एनर्जी जो है ना उसके हिसाब से हो जाएगी। एक मैंने कहा ना दोस्त चाहे एक ही रखनी हो जिंदगी में, अरे दोस्त की जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूं दोस्त की जरूरत ही नहीं बेटा। अगर आपको लग रहा है सारे दोस्त ही नेगेटिव बातें करते हैं, सारे दोस्त की बड़े बकवास है, सारे दोस्त ही मुझे सिगरेट पीना सिखाने के लिए आतुर है, तो दोस्तों को छोड़ दो, क्योंकि शेरों का कोई झुंड नहीं होता है। शेर अकेला ही रहता है बेटा जंगल, वो कभी गीदड़ नहीं होते, नहीं तो रहते झुंडों में, भैंस गीदड़ गाय ये है ना भेड़िए ये रहते झुंडों में, और शेर बेटा जंगल में अकेला रहता है। तो शेरों को झुंड की जरूरत नहीं होती, और शेर अकेला ही बहुत होता है। एक नेपोलियन बोनापार्ट ने एक लाइन कही है, जब जोर देने वाली लाइन बेटा अंदर तक आदमी के अंदर तक घुस जाती है। उसने ये कहा कि मैं उस शेरों के झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही है, अरे मैं उस शेरों के झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही हो, मुझे तो डर लगता है उस भेड़ों के झुंड से। अरे भेड़ डर गया भेड़ों के झुंड से डरता हूं जिसका नेतृत्व कोई शेर कर रहा हो। शेर एक ही काफी होता है, उसको जरूरत नहीं है किसी के साथ रहने की। आपको लगे इसके साथ रहकर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसके साथ रहकर मुझे जो है ना वो माहौल मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, इसके साथ रहने से हो सकता है मैं कल को बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना सीख जाऊं, उससे दोस्ती तोड़ दो रहे, क्योंकि दोस्ती आपकी स्थाई नहीं बेटा। यहां ये दोस्ती आपकी है, इधर देखियो ये दोस्ती आपकी स्थाई नहीं है, जब तक आप यहां है तब तक दोस्त है बेटा, जब आप यहां से चले जाएंगे तो 10-20 दिन तो आदमी फोन करता है, बहुत पक्की मेरे हो घर दोस्त में देखा बच्चियों इतनी अच्छी सहेली होती है आपस में, बस खाना खाऊंगी तो साथ खाऊंगी, बोलूंगी तो दोनों इससे ही बोलूंगी और किससे नहीं बोलूंगी, और उसके बाद में जब वो बच्चियां जाती है ना तो 5-7-10 दिन तो वो बात करती है फोन पे आपस में एक दूसरे से, उसके बाद में 2 साल बाद में अगर पूछे ना भाई तू उस निर्मला को जानती है बेटा, निर्मला मैं तो नहीं जानती निर्मला को, अरे तुम तो बहुत बेस्ट फास्ट फ्रेंड थी उस दिन तो, अच्छा वो निर्मला सर वो तो मैं तो कम ही याद है मेरे उससे, हाँ वो शायद मिली तो थी मेरे से एक बार। इसलिए दोस्तियां स्थाई नहीं होती, ये दोस्तियां ना आपको लगेगी यार ये मेरा यार ऐसे तो करते लोग, अरे ड्रग्स की शुरुआत बीड़ी से होती है, मैंने कई बार कहा आपको ड्रग्स लेने वाले जो लोग इंजेक्शन ड्रग्स लेते हैं उसकी शुरुआत एक बीड़ी से होती है बेटा। क्या होता है देखो, एक बच्चा होता है बेटा शरीफ सा, उस किसी के साथ चला गया, दूसरा बच्चा सिगरेट लेके सिगरेट पी रहा है, उसने कहा यार एक फूक ले ले, बढ़िया वाले बच्चे को कह दिया। अब बढ़िया बच्चा क्या कहता है, मम्मी नहीं नहीं यार मेरी मम्मी डांटेगी यार हम नहीं पीते सिगरेट, हमारे कोई नहीं पीता, ओए मेरा यार नहीं है क्या तू, वो मेरा यार भी है तू, चल फिर तू या तो यूं कह दे मेरा यार भी है और या फिर फूक ले ले, होता है ना ऐसा, अरे या तो जर्दा सा ये गुटखा खा ले और या फिर कहते भाई आज से मैं तेरा यार ही नहीं हूं। अगर जो बच्चा थोड़ा सा भी धैर्यवान हो हिम्मत वाला होता है ना बेटा वो तो ये कह देता कि मैं तेरा यार ही हूं, कोई खा कोई पी जा, लेकिन ऐसे बच्चे 1% भी होते हैं, 99% बच्चे ले रहे यार एक फूक में क्यों है, वो एक फूक बेटा उसकी जिंदगी खराब कर देती है, क्योंकि एक फूक लेने के बाद में दोबारा अगर उसने दोबारा फिर ले ली तो धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। और आपने देखा होगा शुरू शुरू में जो है ना गुटखा खाने वाला एक सुपारी को साफ करता है, मैं भी पहले कई बार जो है ना एक कहानी बताता हूं, मैं एक जोरदार सी बात बताऊंगा मेरी गुटखी कहानी है, तो उस गुटखे को ऐसे साफ नहीं खाते फूक देंगे और रख लेते, शुरू शुरू में ऐसे करते, उसके बाद में बेटा जब वो ऐसा करना चालू कर देते ना तो धीरे धीरे फिर वो गुटखा ही खाना चालू कर देते। और गुटखा भी देखो ऐसी चीज है, शुरू शुरू में आप एक खा रहे हैं ठीक है काम चल जाता है एक से, लेकिन इनकी क्या होती है कि एक लिमिट होती है, जब आप एक ही एक खा रहे हैं तो फिर वो आपके लिए बेटा नॉर्मल हो जाती है, वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो जाती है और आप पूड़ी से फिर पार ही नहीं पड़ती, फिर 2 पूड़ी 3 पूड़ी 3 की गाड़ी देखा नहीं गाड़ियों वाले 13-82-15-78 वाले ऐसे मारते यू थोड़ा ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद गोबर है ऊंची पसंद है, अरे होता है ना, फिर धीरे धीरे गुटके भी 20-20 गुटकों से भी वो आनंद नहीं मिलता क्योंकि वो भी उसके लिए नॉर्मल हो जाते हैं, फिर वो शुरुआत होती है उसकी एक सिगरेट की फूक से शुरुआत से वो 10 गुटकों पे आ गया है, 10 गुटके खाने के बाद उसको नॉर्मल हो जाता है वो सारी चीज, तो फिर वो नए आनंद की तलाश नए नए आनंद के तरीके खोजता है और वो आ जाता है शराब के ऊपर।
फिर वो सलाम लेता है। सलाम उसने कहा एक पैक में क्या फर्क पड़ेगा यार, देख लेता हूं, हो सकता है इससे कुछ आनंद भी आ जाए। और धीरे धीरे बेटा उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वो केन के केन दिन में पीने लग जाता है और शराब भी उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है फिर जिसको कहते हैं ड्रग्स। आपने देखा होगा लोग फिल्मों में दिखाते हैं इंजेक्शन में भर के ड्रग्स और यू टोकते हैं जैसे सारा कोई बिल्कुल निर्दयी हो गया वहां। और वो उसकी और उसके बाद में जो उसकी जिंदगी होती है बेटा वो शायद नरक इस दुनिया में देख लो आप, उन व्यक्तियों के साथ रहकर नरक देख रहा हो तो यही देख लो यार। ऐसी स्थिति में या ऐसी जगह पर वो लोग आ जाते हैं तो बेटा इसकी मैंने कहा ना भाई नरक जो है ये नरक जो है ना शुरुआत किसी हुई इस नरक की एक सिगरेट की फूंक से। बोला ले ले यार, या तो ये कहते कि तू मेरा यार नहीं है और यह बिल्कुल है। अब छोटी सी गलती बेटा आदमी को वहां तक ले जाती है। हालांकि ये अपने लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े महानगर है मुंबई चेन्नई कोलकाता वहां लोग वास्तव में ड्रग्स लेते हैं बेटा। और जब नहीं मिलता तो ऐसे तड़पते हैं जैसे कोई मछली को पानी से बाहर निकालते हैं और वापस पानी के लिए तरसे। इतनी भयंकर हालत रहती है, टकरे मारती दीवारों की, हे भगवान मुझे जो है ना कहीं से व्यवस्था करके ड्रग्स ला के दे, ये स्थिति रहती है। तो ये चीजें बेटा अब थोड़ी देर पहले सोच की बात चल रही थी। आदमी अगर सोचे ही नहीं किसी चीज के लिए, बिल्कुल नहीं सोचे साहब किसी के लिए नहीं सोचे है, मास्टर बनने के लिए या और कोई दूसरा अधिकारी बनने के लिए या कलेक्टर बनने के लिए, अगर उसके दिमाग में सोच ही नहीं है, सोचे ही नहीं उसके बारे में, तो क्या वो जिंदगी में कभी वहां तक पहुंच सकता है? कभी नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले तो खुली आंखों से सपने देखने चाहिए आदमी को, और सपने भी छोटे नहीं देखने चाहिए। अरे सपना वो देखो जिसको सुन के लोग हंसे आपके ऊपर। मैंने एक अपने दोस्त से कहा, पहले बात बता रहा हूं कि यार मैं ऐसा काम करूंगा कभी कि मैं 20,000 रुपए महीने कमाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने कहा कमा लेगा कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक दूसरे है मेरे जो एक मिलने वाले उनसे कहा कि यार 50,000 रुपए महीने कमाऊंगा। उसने भी कहा कमा लेगा यार, तेरे अंदर एबिलिटी है, तू शुरू से एक्टिव है, ठीक है, तू कर लेगा। फिर मैंने एक दूसरे को कहा कि यार एक दोस्त हुआ था उसको कहा कि मैं 5,00,000 रुपए कमाऊंगा महीने के। उसने कहा थोड़ा मुश्किल है लेकिन तू कर लेगा सर, कमा लेगा 5,00,000 कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक दोस्त से कहा मैं 50,00,000 रुपए महीने कमाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने कहा पागल हो गया, मुझे पहली बार एक आदमी मिल गया जो मुझे पागल समझ रहा है। फिर मैंने एक दूसरे से कहा, उसने भी कहा पागल हो गया तू। मैंने तीसरे से कहा, उसने भी कहा पागल हो गया तू। चौथे से कहा, उसने भी कहा पागल हो गया तू। पांचवें से कहा, उसने भी कहा पागल हो गया। और मुझे मिल गया 5 आदमी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था जब 5 लोग तेरे को पागल कहते, 5 लोग तेरे को पागल कहते, तू वही काम करना, वो मत करना जिसको कहे कि नहीं तू कर सकता है। और मैं पागल हो गया हूं। और आपको ध्यान हो तो बेटा पागल ही दुनिया में कहीं पहुंचते, वास्तव में पागल ही कहीं नहीं। अगर कहीं कोई आदमी जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है वहां पागल चले जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता। इसलिए हां मैं पागल हो गया हूं, मेरे सपने को सुन के 5 आदमियों ने मुझे पागल कह दिया, तो इसका मतलब वो सपना वही काम मुझे करना है। अरे ये अलग बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग रस्ते रस्ते चलते हैं उनको प्रॉब्लम कम आती है। ये कौन उठ के जा रहे हैं? जो लोग रास्ते रास्ते चलते हैं उनको प्रॉब्लम कम आती है, ये भी कहते लोग। लेकिन ये भी सत्य है बेटा कि रास्ते छोड़ के चलने वाले कई बार बुलंदियां छू लेते। रास्ता छोड़ के देखो दो तरह के इसकी, दो अलग अलग आदमी ने दो अलग अलग बात कही है और दोनों ही बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने कही है। एक आदमी ये कह रहा है कि जिस दिन जिंदगी में कोई समस्या नहीं आए, जिस दिन जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये मान लेना कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक आदमी ने कहा। दूसरा दास जी कह रहे हैं कि जब जब आपको लगे कि आज मुझे ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, मुझे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपका रास्ता गलत भी हो सकता है। अब दोनों की बात करता हूं मैं, पहले वाले दूसरे वाले की बात करता हूं मैं कि जब जब आपको लगे कि जिंदगी में ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब हो सकता है आपका रास्ता ही गलत है। इसके पक्ष में उसने तर्क दिया कि एक सही चाबी से ताले को कोई भी आदमी खोल सकता है, एक 4 साल का बच्चा भी ताले को खोल सकता है अगर चाबी उसकी सही है, और एक गलत चाबी है, गलत रास्ता है, तो भीम ताला तोड़ सकता है, खोल नहीं सकता। ये एक व्यक्ति की बात है। अब दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, उसने कहा कि जिस दिन जिंदगी में कोई समस्या नहीं आई उस दिन यह मान लियो कि आप शायद गलत रास्ते पर चल रहे हैं। दोनों की सही बात है,
लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो जिसने ये कहा कि आदमी को रास्ता छोड़ के चलना चाहिए, अलग रास्ते बनानी चाहिए। अरे अलग का मतलब उसको खुद को लगे, उसके मन में ऐसे हो जाए कि नहीं मेरा रास्ता सही है, दुनिया को चाहे वो गलत लग रहा हो मैं सही करने जा रहा हूं, तो उस काम को आदमी को कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। और सपने बेटा बड़े देखो, छोटे सपने मत देखो, क्योंकि अब मैंने कहा ना आप जानने लगे, आपको कई बार हम कहते हैं भाई कलेक्टर ये होता है, आरएएस ये होता है, आईएएस वो होता है, और सपने कलेक्टर के बारे में तो बहुत कहता रहता हूं। मैं कहता हूं कलेक्टर पूरे जिले का मालिक होता है, कलेक्टर जब चलता है उसकी गाड़ी जब चलती है बेटा, तो दो पुलिस की तीन पुलिस की गाड़ी आगे चलती है, तीन गाड़ियां पीछे चलती है। जब वो बाहर पैर रखता है तो लोग किस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि मैं उसके पैरों के नीचे अपने हाथ रख दूं और कलेक्टर साहब के पैर कहीं जो है ना उनके जूते कहीं गंदे नहीं हो जाए, उस ताकत का, उस चिड़िया का नाम होता है कलेक्टर। और कलेक्टर जो है ना किसी दो आदमी पे हाथ रखे ये कह दे कि कल इन दोनों को ठीक है, अच्छे लगे मुझे, इनका काम भी बढ़िया है, इनको कल जो है ना गवर्नमेंट जॉब दे।